ये है पॉट और ये है लाट। हाँ ये कर लो पहले। दिमाग में खुजली हुई और कुछ क्रिएटिव करने का आइडिया आने लगा। चलो करते हैं। इस लाट को इस पॉट में लगाकर एक आउटडोर डेकोरेशन पॉट तैयार करते हैं। सबसे पहले पॉट में मिट्टी भर लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें लाट को लगाते हैं। सिर्फ आधा पॉट पहले मिट्टी भरते हैं और अब इस लाट को इसमें लगा देते हैं। फिर फुल्ली मिट्टी इसमें डालकर पॉट को पूरा भर देते हैं, जिससे कि हमारी लाट रुक जाए। और इस गलती को सुधारते हुए ले आते हैं नर्सरी से 3 पेड़, जिसमें एक मनी प्लांट है, एक कमल फ्लावर वो पॉट वाला है और एक बेल का पेड़ है। सबसे पहले कमल फ्लावर को पॉट में लगाकर सेट कर देते हैं और अब चलते हैं इसके बाद मनी प्लांट को सेट करने। देखिए कमल फ्लावर कैसा लग रहा है। मनी प्लांट को, ये मेरा गमला खाली था तो इसमें इसको सेट कर लेते हैं और फिर इसकी ग्रोथ होने के बाद आपको फिर से एक वीडियो में दिखाएंगे कि मनी प्लांट को किस तरह से आप ग्रोथ कर सकते हैं। फिलहाल इसको इसमें लगा देते हैं। ये लग चुका है और काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि ये बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट है। अब चलते हैं ऊपर, जिसमें लाट लगाकर पॉट से एक बढ़िया डेकोरेशन आइडियाज़ बनाना था। तो उसके लिए एक ये मैंने बेल का पेड़ लाया है और इसको निकाल करके इसमें सेट कर देते हैं अच्छी तरीके से। तार और ये डंडियों से बंधा हुआ था तो सबको खोल लेते हैं और इसको लाट में सही तरीके से सेट कर देते हैं। ये लाट किस लिए लगाई है आपको सबसे लास्ट में इसका पता चलेगा। इसको पहले सही तरीके से सेट करते हैं। को डेकोरेट करने के लिए हैंगिंग पॉट की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। ये लॉट वाला पॉट का क्रिएटिव आइडिया कैसा लगा आपको कमेंट में आप प्लीज़ बताइए। और न्यू व्यूअर्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।